Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी. सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस. मॉन्ट्रियल के जनूब में मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से हुक्म इम्तना दिया गया है, जबकि ये मुतालबा भी किया गया है कि वो एहतजाज खत्म कर दे. मॉन्ट्रियल के जनूब में एक बड़े हादसे के बाद हाईवे 15 को खोल दिया गया. हादसे में 140 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई थी. मारखम में बैंक डकैती की वारदात. पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिमान की उम्रें 13, 15 और 16 साल हैं, जिन पर संगीन जराइम के चार्जेस लगाए गए हैं. कैनेडा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जो क्यूबा के हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट का मुंतजर था. हम अमरीका के साथ मुहायदा करने जा रहे हैं. सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना है कि कामयाबी का इनसार अमरीका की तरफ से वादों की तकमील पर है. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने सियासी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले, उन्हें कमकल और बेवकूफ करार दे दिया. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद. और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे. आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग की लश्कारे मारती ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई हो गई. इस मौके पर तमाम 6 कप्तान भी मौजूद थे. मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में. रोशनी के शहर में PSL 5 ट्रॉफी से पर्दा उठ गया. रोनुमाई स्कॉश प्लेयर जान शेर खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किदा रंगारंग तकरीब में की. तमाम 6 के 6 कप्तान भी इस मौके पर मौजूद थे. चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन के बाद टीम लीडर्स ने अपने प्लान बताए. 10 लाख अमरीकी डॉलर के इनामी रकम वाले 5वें सालाना क्रिकेट मेले का बाकायदा आगाज कल से होगा. इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का लगेगा, जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है. गुज़िश्ता रोज भी रिहर्सल जारी रही. फुल ग्लैमर के बाद पहली गेम होगी, जिसमे 2 बार की फातह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिफा चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर से मैच पड़ेगा. टोरंटो से खबर शामिल करेंगे. आपको बताएं, टोरंटो में गुज़िश्ता रोज एक बैंक में डकैती के दौरान 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए थे, जबकि मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. टोरंटो में गुज़िश्ता रोज एक बैंक में डकैती के दौरान 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए थे, जबकि मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही है. पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिमान की उम्रें 13, 15 और 16 साल हैं, जिन पर संगीन जराइम के चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें आतिशी असले के इस्तेमाल, हमला करने समेत दीगर कई चार्जेस शामिल है. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मारखम में एक बैंक में डकैती की वारदात में 4 बैंक मुलाजमीन जख्मी हो गए थे. जब वो मुलजिमान बैंक में दाखिल हुए तो एक बैंक क्लाइंट ने उनकी इत्तला पुलिस को दी, जबकि पुलिस वाकई की इत्तला मिलते ही 6 मिनट के अंदर बैंक पहुंच गई थी, जबकि डकैती की वारदात जारी थी. तहम मुलजिमान बैंक के पिछले दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गए थे. तहम पुलिस ने 45 मिनट के अंदर ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था. कुछ बात करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मकामात पर रेल लाइंस को खोल दिया गया है, जबकि मुजाहरे ताहाल जारी हैं, जबकि मुजाहरीन ने तमाम कैनेडियन से इजहार यकजहती की अपील की है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. मॉन्ट्रियल के जनूब में मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से हुक्म इम्तना दिया गया है, जबकि ये मुतालबा भी किया गया है कि वो एहतजाज खत्म कर दे. CN पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन में हुक्म इम्तना की कॉपियां तकसीम की गईं. अफसरान की जानिब से मुजाहिरीन को उन्हें पढ़ने का वक्त दिया गया. ताहम ये नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं. कैनेडियन नेशनल रेल की जानिब से हुक्मनामा मौसूल होने के बाद सेंट लैम्बर्ट की रेल लाइन को खोल दिया गया था. क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लिगो की जानिब से कहा गया था कि जब हुक्म इम्तना जारी होगा तो जनूबी साहिल पर म्युनिसिपल पुलिस की जानिब से इस रुकावट को खत्म कर दिया जाएगा. कैनेडियन रेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि हम रेल सर्विस को दोबारा शुरू करने में कामयाब हो जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मकामात पर रेल लाइंस को खोल दिया गया है, जबकि मुजाहरे ताहाल जारी हैं, जबकि मुजाहरीन ने तमाम कैनेडियन से इजहार यकजहती की अपील की है.
क्यूबा में फंसने वाले कैनेडियन शहरियों ने एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने तक की सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया जो क्यूबा के हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट का मुंतजर था। मस्कूरा मुसाफिर कई दिनों से क्यूबा के हवाई अड्डे पर फंसा हुआ था जिसके रनवे को नुकसान पहुँचने के सबब बंद किया हुआ था, जबकि मुसाफिरों की जानिब से एयरपोर्ट के अमले की नामुनासिब रवैये की शिकायत की गई थी। बुध के रोज वहां फंसे शहरियों को टोरंटो वापस लाने के लिए एक फेरी के जरिए बंद हवाई अड्डे से मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद उन्हें हवाना के बाहर पहुंचाया गया और उनकी फ्लाइट जुमेरात के रोज कैनेडा पहुंची। क्यूबा में फंसने वाले कैनेडियन शहरियों ने एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने तक की सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। ताहम टूर ऑपरेटर की जानिब से तिब्बी सहूलियात के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था। कुछ बात करेंगे हाईवे 15 में हादसे के बाद सूबे के वजीरे ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उनके दफ्तर को मुतादिद शहरियों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिसमें इस मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के जनूब में हाईवे 15 पर गाड़ियों के तसादुम में हलाक होने वालों की शनाख्त 54 साला चार्ल्स रिवर्ड 69 साला पेयर बोर्डो के नाम से की गई है। हादसे में 29 अफराद जख्मी हुए थे जिनमें से एक की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 140 गाड़ियां तसादुम का शिकार हुई जिनमें से 70 को नुकसान पहुंचा। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि रात को 1:15 बजे के करीब हाईवे को दोनों एतराफ से खोल दिया गया है। हाईवे 15 हादसे के बाद सूबे के वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उनके दफ्तर को मुतादिद शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिनमें इस मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से वाकये के वक्त 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की इत्तला दी गई है, जबकि सड़क से ऊंचाई पर मौजूद बर्फ तेज हवाओं के सबब सड़क पर जमा हो गया था। कुछ बात करते हैं अमरीकी अखबार में लिखे अपने मजमून में। सिराज हक्कानी ने कहा कि अमरीका के हवाले से बदअतमादी के बावजूद हमने अमन के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया क्योंकि अफगानिस्तान में हर कोई जंग से थक चुका है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हक्कानी नेटवर्क के सरबरा और अफगान तालिबान के डेप्टी कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि हम अमरीका के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। उसकी कामयाबी का इनसार अमरीका की तरफ से वादों की तकमील पर है। अगर अमरीका ने वादे पूरे किए तो तब ही इस पर पूरा एतमाद कर सकते हैं और मुस्तकबिल में अमरीका के साथ तावुन हत्ता के शराकतदारी की बुनियाद रखी जा सकती है। अमरीकी अखबार में लिखे अपने मजमून में सिराज हक्कानी का कहना है कि अमरीका के हवाले से बदअतमादी के बावजूद हमने अमन के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया क्योंकि अफगानिस्तान में हर कोई जंग से थक चुका है और मैं समझता हूं कि कत्लो गारत को बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में इत्तेफाक राय से हुकूमत कायम होगी। इंट्रा अफगान मुजाकरात के दौरान किसी भी फरीक की तरफ से पेश की शराइत आयद नहीं होनी चाहिए। हम दीगर अफगान ग्रुपों से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म है ताकि ऐसे सियासी निज़ाम पर इत्तेफाक हो सके जिसमें कोई अफगान खुद को बाहर ख्याल न करे। कुछ बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइक ब्लूमबर्ग के छोटे खत को भी निशाना बनाया और उन्हें मिनी माइक का खिताब दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफीन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्हें कम अकल और बेवकूफ करार दे दिया। रियासत एरिजोना के शहर फीनिक्स में इंतखाबी रैली से खिताब में सेनेटर मिट रोमनी को कम अकल और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार टॉम स्टायर को बेवकूफ करार दिया। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइक ब्लूमबर्ग के छोटे कद को भी निशाना बनाया और उन्हें मिनी माइक का खिताब दे दिया। यूटा से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ट्रंप के मौखज़े के हक में वोट डालने की वजह से उनके इताब का शिकार है। वो ट्रंप की मुखालफत में वोट डालने वाले वाहिद रिपब्लिकन थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स के पास एक ही काम है, रूस का नाम लेकर शोर मचाना, मौखज़े के नाम पर आंखों में धूल झोंकना और आवाम को गुमराह करना। उनका यह भी कहना था कि हमें रिपब्लिकन की जानिब से जबरदस्त हिमायत हासिल रही। मौखज़े की कार्रवाई में कांग्रेस में 197 वोट्स के मुकाबले में एक भी वोट नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेनेट में 52 के मुकाबले में आधा वोट आया और आप जानते हैं कि वो आदि अकल वाला कौन है। और फिर उनका एक नया उम्मीदवार मैदान में उतरा जिसका नाम मिनी माइक है। ट्रंप का कहना था कि खबरें मिल रही हैं कि वो बुरी तरह पिट रहे हैं, वो खूब दौलत लुटा रहे हैं, फिर भी सिर्फ 15 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुए। इसके साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू Only at TAC TV.